का दिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मायनों में महत्वपूर्ण है। जहां एक तरफ चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई, वहीं पाकिस्तान से अलग होकर आजाद बांग्लादेश की घोषणा हुई तथा दूसरी तरफ पहले अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन का शुभारंभ भी हुआ। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। चिपको आंदोलन का सीधा संबंध उस गौरा देवी से है जो 1925 में उत्तराखंड के चमोली जिले में पैदा हुई और वे देश की उन महिलाओं में शामिल हैं जिन्होंने अपने कृतित्व से खुद के व्यक्तित्व को अमर कर दिया। उनका वैसे तो व्यक्तिगत जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा। मात्र 22 वर्ष की आयु में उनके पति का देहांत हुआ और एक बच्चे को पालने की जिम्मेदारी और इसके साथ साथ मुश्किलें भी उनके जीवन में आती चली गई। वे उनके पेड़ पौधों के प्रति जो उनका लगाव था, जो उनकी तत्परता थी, वही इसका दर थी कि जंगलों को बचाने के लिए जो संगठन था महिला मंगल दल, उसकी मुखिया बनी। उसी दौरान मैं आपको बताऊं कि वहां के जंगल में जो देवदार के पेड़ थे उनको काटने के लिए चिन्हित किया गया था, उन्होंने इसका विरोध किया और 1974 के आज ही के दिन 26 मार्च को समूह की महिलाओं को लेकर चिपको आंदोलन की शुरुआत की। वहीं इसका दूसरा पहलू अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ा हुआ है। अवामी लीग के मुखिया शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान के 1970 के आम चुनाव में स्पष्ट बहुमत मिला। सैन्य शासक यहया खान सत्ता हस्तांतरण के पक्ष में नहीं थे। पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष चरम पर था। सेना ने यहाँ अपना ऑपरेशन सचलाई शुरू किया। अंततोगत्वा आज ही के दिन 26 मार्च को की सुबह को पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में आजाद घोषित कर दिया गया। अब जहां तक तीसरे पहलू का सवाल है वह 1972 में। सन 1972 में आज ही के दिन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन का आगाज हुआ। 2015 में थाईलैंड में आयोजित 16वें सम्मेलन में भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर का नमूना तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नेतृत्व में 250 संस्कृत विद्वानों के दल भेजकर दिखाया था। अब सवाल यह उठता है कि मैं धर्मेंद्र सिंह एलाइट 24 न्यूज चैनल से 26 मार्च के दिन की महत्ता क्यों बता रहा हूं। मैं ऐतिहासिक स्तर पर इतिहास के उन पन्नों में जाके आज की युवा पीढ़ी को यह बताना चाहता हूं कि 26 मार्च का दिन हमारे लिए और हम सबके लिए, हम युवाओं के लिए और समस्त देशवासियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे अलाइव 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।